नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, दोस्तों पिछले वीडियो में किसी भाई ने हमें कमेंट किया था कि सर हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए कोई वीडियो बनाइए, तो आज उसी जानकारी को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों तो बिना देर किए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों फिर आगे बात कर लेते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि मैं प्रमोट हूं और मुझे अच्छा फील हो, जिससे मैं आगे आपको सेवा प्रदान करते रहूं। दोस्तों फिर आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि जो बाल का टॉपिक हमारा, तो बाल एक ऐसे हमारे बॉडी का अंग है जिससे कि हमारे फेस के या हमारे बॉडी के खूबसूरती को प्रदर्शित करता है। दोस्तों हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाने में बाल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों तो उसी के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों तो मैं अगले चरण में जाऊं तो आपको बता दूं कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर करना है, जड़ से खत्म करना है दोस्तों, तो उसका पहले हम कारण जान लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कारण पता रहेगा तो उसका हम निवारण कर देंगे, तो हमारा जो बॉडी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों तो आज इसी टॉपिक को हम लेके अपने आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि जो बाल टूटने के कॉजेज होते हैं, जो ना बढ़ने के कॉजेज होते हैं, तो उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर आगे उसका प्रिवेंटिव मेजर और प्रिकॉशनरी मेजर भी बताऊंगा। दोस्तों तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो कारण है हमारे बाल टूटने का, दोस्तों तो बाल टूटने का बहुत बड़ा कारण होता है एक तो डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ के आगे हम जाएं तो डैंड्रफ एक तो बहुत बड़ा जो कॉजेज होता है हमारे बाल टूटने का, ये बहुत ही बहुत लोगों को परेशान करके रख देता है। डैंड्रफ खुजली भी होने लगता है, उससे फंगल इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण जो हमारा बाल टूट के गिरने लगता है। दोस्तों फिर आइए अगले चरण में जाते हैं। तो अगले चरण में हम आपको बता देना चाहें कि दोस्तों अगर आपके माता पिता को कोई जेनेटिक इशू है, जैसे आपके पिताजी का अगर बाल उड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसमें 90% केसेस ये होता है कि आपका भी बाल टूटने का या उड़ने का या लॉस होने का चांस रहता है। दोस्तों 10% क्या होता है कि पापा मम्मी का अगर बाल टूट गया है, झड़ गया है, तो उसमें 10% बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं जा पाती है, तो उनका सेफ रह जाता है, बाकी 90% लोगों का झड़ना ही झड़ना है। तो फिर आगे हम बात कर लें तो दोस्तों, तो आगे मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन और आयरन की कमी है, तो उसके कारण भी बाल हमारे टूटने लगते हैं। दोस्तों तो ये भी बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारे बाल टूटने का कारण बन जाता है। दोस्तों फिर अगले स्टेप में हम जाते हैं। अगले स्टेप में जैसे जो लड़कियां होती हैं, तो उनके प्रेगनेंसी के दौरान बाल टूटने का जो समस्या होता है बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसमें आप घबराएं ना, इसके भी निवारण है। दोस्तों तो आगे हम अपने कारण के बाद निवारण को जानेंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि जैसे हमारा जो बॉडी का हार्मोन्स होता है, हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे तक हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो तो उसका इम्बैलेंस, जैसे ऊपर नीचे हार्मोन्स का होना भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया बाल टूटने के। दोस्तों तो ये तो थे हमारे कारण बाल टूटने के और ग्रोथ ना करने के। अगर हम इसके निवारण के बाद में बात करें दोस्तों, तो आगे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको डैंड्रफ खत्म करना है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं डैंड्रफ का टॉपिक लास्ट में रखूंगा, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव उसका नुस्खा मैं बताऊंगा दोस्तों, मेरे वीडियो अंत तक बने रहे। तो आइए हम पहले बता देते हैं कि आपको जो जेनेटिक प्रॉब्लम है दोस्तों, तो उससे कैसे बचा जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पिताजी का जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो आपके सर में आया, आपके बाल टूट रहे हैं दोस्तों, तो उससे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों तो उसमें हमें क्या करना है कि आप जैसे हफ्ते में एक बार या दो बार शैम्पू कर रहे होते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं केमिकल यूज डेली करते हैं, मतलब शैम्पू या साबुन डेली यूज करते हैं दोस्तों, तो उनसे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, तो अपने जो बाल में शैम्पू या साबुन करते हैं वो हफ्ते में बहुत ही कम यूज करें, जैसे एक बार हो गया, दो बार हो गया, इससे ज्यादा यूज ना करें। दोस्तों फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं इसके चरण में, तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे नहाने के बाद, तुरंत नहाने के बाद, जैसे आप बाल को मतलब खींचना तानना नहीं है, आपको बाल को मतलब खींचना नहीं है दोस्तों कंघे से या किसी तरीके से, आपको बाल भिगोए तेल लगाइए, पूरे सर में अच्छे से लगा लीजिए। दोस्तों ये तो हमारा हो गया जेनेटिक प्रॉब्लम का। फिर अगले हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जैसे जो लड़कियां प्रेग्नेंट होने के दौरान जिनका बाल टूटता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मैं बता देना चाहूँ ये नेचुरल होता है, लगभग 90% ये नेचुरल होता है। आप प्रेगनेंसी के टाइम जो आप वीकनेस फील करते हो, जो आपके बॉडी में आयरन या प्रोटीन या विटामिन की कमी जो होती है, उसके कारण से ये टूटता है दोस्तों। तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं, जैसे कि आपको आयरन, विटामिन, प्रोटीन की कमी की वजह से आपका बाल टूट रहा है, आप कमजोरी की वजह से बाल टूट रहा है, तो आपको अपनी डाइट स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो आप अपने जो डाइट में आप दही ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या बादाम ले सकते हैं, जिसमें आयरन का सोर्स हो, तो वो सारे प्रोटीन का सोर्स हो, आयरन का सोर्स हो, और जो ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसे हीमोग्लोबिन बढ़ता हो दोस्तों, तो वो तो आपके शरीर के लिए भी स्वस्थदायक रहेगा दोस्तों, और आप साथ ही साथ आपके बाल को भी स्वस्थ रखेगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो जैसे स्ट्रेस, मैंने बताया कि स्ट्रेस से भी बाल टूटते हैं, तो आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए।
अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा शांति करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, या सुबह सुबह जाके टहल के आइए दोस्तों, तो उससे आपका माइंड अपने आप माइंड को रिलैक्स करिए, उससे भी आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है वो भी कंट्रोल होता है दोस्तों, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बालों में जो ग्रोथ होगी वो बढ़ने लगेगी, आपके बाल जो है जो रुके रुके हो रहे हैं वो भी बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो इस तरह प्रोसेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल मैंने जो बताया दोस्तों कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ जो आपको जैसे डैंड्रफ हो जाता है बालों में, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के कारण अगर जो बाल टूटने लगता है दोस्तों, तो उसके निवारण के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो उससे आपसे बच सकते हैं बहुत आसान तरीका, उसके लिए मैं आपको दो तीन टिप्स बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहला जो टॉपिक है, हफ्ते में आप एक बार एक नींबू लीजिए मार्केट से, उसको काटिए और अपने बाल में हफ्ते में एक या दो बार नींबू को डाल दीजिए दोस्तों गार के। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाएं तो मैं आपको बता दूं, आपको लेना है मेथी, मेथी लीजिए एक मुट्ठा, इतना मेथी लीजिए, लगभग 100 ग्राम के मात्रा में मेथी लीजिए, उसको रात को भिगा दीजिए, रात को आपको एक बाउल कर्ड लेना है, दही लेना है, रात का भिगा हुआ जो आपके पास मेथी है दोस्तों, सूखा मेथी, तो उसको आपको लेना है, दोनों को दही और मेथी दोनों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। मिक्स करने के बाद अपने बालों में अच्छी तरह जड़ों तक दही और मेथी के पेस्ट को लगाइए, अच्छे से लगाइए, उसको 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों में रहने दीजिए, फिर अच्छे से 2-3 घंटे बाद अपने बालों को साफ पानी से धो लीजिए दोस्तों। फिर ये तो रहा हमारा नेक्स्ट स्टेप, आगे हम बढ़ते हैं तो मैं आपको ऑयल बताता हूं दोस्तों, जिससे कि आपका जो हेयर फॉल है और हेयर ग्रोथ दोनों ही बहुत जल्दी से, हेयर फॉल रुक जाएगा और हेयर ग्रोथ बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो इसको भी ध्यान से सुनिए, मैं आपको 3 ऑयल बताऊंगा, जैसे कि ऑर्गेनिक आपका जो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल लीजिए आप, उसको आप अपने शाम को बालों के जड़ों में अच्छी तरह से लगाइए और उससे सो जाइए दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा जो ओलाइव ऑयल होता है, जो हमारा जैतून का तेल होता है दोस्तों, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो आप जैतून का तेल भी लेके अपने बालों के मसाज कर सकते हैं दोस्तों हल्का हाथ से, तो उस तरह मसाज करने से आप देखेंगे कि आपका बाल का जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो ऑयल है वो आपको बादाम का ऑयल लेना है दोस्तों, बादाम का ऑयल लेके आप उसी तरह मसाज करेंगे तो देखेंगे आपके बॉल में जो विटामिन ई की कमी होती है वो पूरा होगा, आपका बाल जो कि बहुत ही शाइन हो जाएगा और आपका बाल जल्दी से ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं, आपका जो हेयर फॉल रोकने के लिए मैं आपको जो बता रहा था, तो आपको हेयर फॉल के लिए बता दूं दोस्तों, तो आप जैसे मैंने 3 ऑयल का नाम दिया आपको, इन 3 ऑयल कोई सा ऑयल लें आप, एक अपने घर में लाल प्याज लें, प्याज तो आप जानते हैं आपके किचन में अवेलेबल होता है, तो लाल प्याज लें दोस्तों, उसको काटें अच्छे से धुल लें, धुलने के बाद उसका याद रखिए लाल प्याज होना चाहिए, सफ़ेद वाला प्याज नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैल्शियम विटामिन होते हैं, तो जो कि हमारे बालों के जो ग्रोथ होती है हमारे बालों को उसको ग्रो करने में बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो आप प्याज लें, उसको काटे बारीक, उसको कूच के, उसको हल्का सा कुचला के, उसको एक रस निकालें उसका, अपने प्याज का रस निकालने के बाद उस आपके जो ऑयल है थोड़ा सा ऑयल लें बाउल में, उसको प्याज का रस मिलाएं, प्याज के रस और तेल को मिला के आप हफ्ते में एक बार अपने बाल के जड़ों में लगाएं दोस्तों। तो आप देखेंगे, आप ये कंटिन्यू करते 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 आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ही एक चमक आएगी दोस्तों और बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। लास्ट में आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूं दोस्तों, आपको एक पैराशूट का एडवांस हॉट ऑयल मिल जाता है दोस्तों, वो किसी भी आप शॉप से खरीद सकते हैं जो कि जहां पे मिलता है, तो आप हॉट ऑयल लेंगे, मैं आपको यहां पे फोटो दिखा दूंगा दोस्तों। तो हॉट ऑयल क्या करता है, आपको आपके जो बाल के जो जैसे रूखापन हो जाता है बाल में, तो दोस्तों उसको नरिश करता है दोस्तों वो, तो आप हॉट ऑयल लें, आप उसको नहाने के बाद हॉट ऑयल को हाथ में रगड़ें और बाल में लगाएं दोस्तों, तो उससे क्या होता है आपके जड़ें मजबूत होंगी, जो आपके बाल में रूखापन है, जैसे किसी छोटे पौधे को देखेंगे आप, तो उसमें अगर पानी नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे उसकी जो पंखुड़ियां होती है वो सूखने के कगार पे, तो उस तरह के जो बाल हमारे होते हैं कड़े कड़े या सूखे टाइप के, तो उसको नरिश करके वो पूरा ऐसा लगेगा कि पूरा मतलब तरोताजा है दोस्तों। तो ये सारे फॉलो जो हमने बताया आपको टिप्स, ये फॉलो करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये फॉलो करके आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको परफेक्ट इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, बस इसको नियमित रूप से और सही तरीके से कीजिए। इसी जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो एक बार फिर से बहुत पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फटाफट से बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए इसी जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।